तेल की कीमतों पर महंगाई की मार जारी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। तेल कंपनियों ने इस हफ्ते पांचवी बार लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने की घोषणा की है। रविवार को पेट्रोल 50 पैसे और डीजल 55 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। नई कीमत लागू होने के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 99.11 रुपए प्रति लीटर और डीजल 90.42 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। इससे पहले 22, 23, 25 और 26 मार्च को 80-80 पैसे की बढ़ोतरी हो चुकी है। मार्च महीने में पिछले 6 दिन महंगाई को बढ़ाने वाले रहे हैं। 22 मार्च से अब तक रसोई गैस और सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़ाए जा चुके हैं, तो वहीं पेट्रोल डीजल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में बताते हैं कि आपके शहर में पेट्रोल और डीजल के क्या भाव हैं। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 99.11 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 90.42 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल 113.88 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 98.13 रुपए प्रति लीटर हैं। इसी तरह कोलकाता में पेट्रोल के दाम 108.53 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 93.57 रुपए प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल के दाम 104.90 प्रति लीटर तो डीजल के दाम 95 रुपए प्रति लीटर है। बेंगलुरु में पेट्रोल के दाम 104.44 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 88.66 रुपए प्रति लीटर है। भोपाल में पेट्रोल 111.24 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 94.71 रुपए प्रति लीटर है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को सही ठहराया है। गडकरी ने हाल ही में कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ी हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल के दामों पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा है कि ये स्थिति सरकार के नियंत्रण से बाहर है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम एक बार फिर चढ़ रहे हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से कच्चे तेल की सप्लाई पर भारी असर पड़ा है। शुक्रवार को कच्चे तेल के बाजार में तेजी देखी गई। अमेरिकी बाजार में बीते शुक्रवार को ब्रेंट क्रूड 1.62 डॉलर चढ़कर 120.70 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ। इसी तरह WTI क्रूड भी 1.56 डॉलर बढ़कर 113.90 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।